हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर H6 ऑफ 250 सॉर्बोन सीरीज इन ऑप्टिक्स। तो इस लेक्चर में ये एससी वर्मा का 6th लेक्चर है, ठीक है। एससी वर्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज, तो उससे रिलेटेड 6th लेक्चर है। जैसे H1 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 किया था, H2 में ऑब्जेक्टिव 2, H3 से हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये H6 है, ठीक है। और जिसको बाकी टाइप के चीज़ें देखनी है रे ऑप्टिक्स रिलेटेड, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या थ्योरी या कोटा वाले क्वेश्चंस, वो सब चीज़ देखना है, तो सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस नहीं मिला तो आप चैनल में ब्राउज करना, चैनल में, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाले लेक्चर्स ब्राउज करेगा तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। A ray of light is incident on a at an angle of 45 degree with the normal of a point root 2 centimeter thick. तो root 2 centimeter thick plate बना लो, इसका thickness है root 2, mu है 2, ray of light आ रहा है 45 पे, ठीक है। ये यहाँ पे bend होगा, मान लो ये R है, bend होके यहाँ टकराएगा, फिर से bend होगा, तो ultimately हमें पता है अगर ये slab नहीं होता तो ऐसा चला जाता। अभी slab के कारण laterally shift हो गया है, तो ये shift पूछा है आपसे, ठीक है। शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थिकनेस इनटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, ठीक है। अब टी तो पता है हमें, रूट टू, आई पता है 45, आर नहीं पता, तो आर निकालते हैं, उसके लिए स्नेल्स लगाते हैं। तो स्नेल्स ऑफ म्यू ऑफ एयर इनटू एंगल इन एयर का साइन, म्यू ऑफ वाटर, सॉरी म्यू ऑफ मटेरियल जो भी है, इनटू साइन ऑफ एंगल इन वो मटेरियल प्लेट, है ना। तो साइन आर का वैल्यू 1/2√2 मिल रहा है, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, साइन आर इतना है, ठीक है। जिसको एक्सपैंड करेंगे, टी साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर भी है, तो कॉस आर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो टी साइन आई माइनस कॉस आई टैन आर, तो आपको टैन आर का ज़रूरत है, साइन आई पता है, टैन आर निकाल लो, 1/√8 - 1 7, ठीक है। वही P और H पता है, तो B निकाल लो, पाइथागोरस यूज करके आ जाएगा। तो T का वैल्यू रूट टू है ना, साइन आई मतलब साइन 45 1/√2 माइनस कॉस आई फिर से 1/√2 यानी कॉस 45, टेन आर है 1/√7, ठीक है। तो 1/√2 कॉमन ले लो, यहाँ पे रूट टू बाहर में है ना, तो 1/√2 अगर कॉमन लेंगे हम लोग तो 1 - 1/√7, अल्टीमेटली इसका आंसर 1 - 1/√7 है, ठीक है। तो 1/√7 निकाल लेते हैं, आंसर पता चल जाएगा हमें, रूट सेवन 2.6 होता है, 2.5 मान के मैं करूं कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1.5 / 2.5, तो 5 × 3 = 15, तो 0.6 के आसपास आना चाहिए अपना आंसर, ठीक है। तो 25 का आंसर 0.62 है ना, सही है, ठीक है। 26 में ऑप्टिकल फाइबर इज सराउंडेड बाय ग्लास कोटिंग, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर PIR, ठीक है। फाइबर से ग्लास की तरफ लाइट रह जाएगा, तभी तो होगा ना, क्योंकि फाइबर का म्यू ज्यादा है, ग्लास का म्यू कम है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या हो तो सब जानने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास अल्टीमेटली फाइबर से ग्लास की तरफ जा रहा, तो क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब साइन का वैल्यू तो यहाँ पे छोटा वाला म्यू डिवाइड बाय बड़ा वाला म्यू, म्यू ऑफ रेयर डिवाइड बाय म्यू ऑफ डेंसर, तो म्यू ऑफ रेयर छोटा वाला म्यू कौन सा है, छोटा बाय बड़ा ही करोगे तभी तो साइन मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा, और ये पता है आपको, तो आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल ना, तो यही निकाल लो, तो 1.5 / 1.72, ठीक है। तो आंसर देखते हैं किस फॉर्म में दिया है, 26 में साइन इनवर्स करके दिया है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 150/172 है, किससे कटेगा, 2 से 75, और फिर 2 × 2 = 16, 2 × 6 = 12, 75/86 आ रहा ना, हाँ 75/86, तो साइन थीटा सी इतना है, तो थीटा सी
साइन इनवर्स 75/86। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 26। 27 में रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, तो ए बी में नॉर्मली इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, इससे अनडिवेरिएट चला गया। ठीक है, जब नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है ना, जिसका म्यू है 1.5। ठीक है, एज शोन इन फिगर व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल फाइव फॉर विच द लाइट रेज टी आई आर इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड एट सर्फेस ए सी। ठीक है ना, तो ए सी सर्फेस में, ए सी वाला जो सर्फेस है वहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे टी आई आर होना है। ठीक है, अब टी आई आर होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल रहा हूँ, दिट्स आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना, तभी टी आई आर होगा। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। अब ये एंगल अगर फाइव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एंगल फाइव है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से, ये एंगल फाइव है तो ये कितना हो जाएगा, 90-5, है ना, ये डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है यहाँ से कि ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कचड़ा हो गया है, इसको साफ करो, फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, तो ये फाइव है तो ये भी फाइव है और ये फाइव है तो ये 90-5। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई है। ठीक है ना, तो टी आई आर कब होगा, इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, 90-5 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दोनों तरफ साइन ले लो, याद रखना दोनों एंगल 90 से छोटा ही होगा, तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन वाला साइन पहले भी था एंगल्स के बीच में, तो वही इनइक्वालिटी के बीच में भी रहेगा साइन लेने का, कॉस लेने पे इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90-θ हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, कॉस फाइव इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ठीक है, तो आपसे फाइव का लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो कॉस फाइव इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ, है ना, और म्यू का वैल्यू हम लोग को दिया है 1.5, तो ये 3/2 मतलब 2/3, तो कॉस फाइव ग्रेटर देन 2/3 यानी फाइव लेस देन कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, एंगल और कॉस, उसके कॉस में इनवर्स टाइप का रहता है रिलेशनशिप, है ना, मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ एंगल बढ़ाने से कॉस घटता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कि अगर एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन सपोज 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसका दोनों तरफ कॉस लेंगे तो कॉस थीटा लेस देन कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वैसा रिलेशन रहता है, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करता है ना, साइन में वैसा नहीं होता, कॉस में वैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन था, दोनों तरफ कॉस इनवर्स लिया एंगल, मतलब कॉस से हम लोग एंगल में चल गए तो साइन उल्टा हो जाएगा, जो भी ग्रेटर देन था लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स 2/3, तो थीटा लेस देन कॉस इनवर्स 2/3 है, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बोल सकते हो ऑलमोस्ट कॉस इनवर्स 2/3 है। ठीक है, उसे जस्ट छोटा होना तो उसके बराबर बोल देते हैं, तो 27 का आंसर कॉस इनवर्स 2/3। समझ में आई बात, ये था क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एंगल का वैल्यू 45 से कम होना है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल क्या बोलोगे, 44.9999, वैसे बोलोगे जिसको 45 बोल सकते हैं। ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, तो 27 के बाद आगे बढ़ते हैं, 28। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ग्लास से एयर की तरफ जाना है। ठीक है, ये ग्लास है, ये एयर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम करना है, तो क्रिटिकल एंगल में डाल दो ना, अगर क्रिटिकल एंगल पे ही इंसिडेंट होगा लाइट रे, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। याद रखना, जो भी एंगल्स हम लोग बात करते हैं वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनते हैं 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम एंगल जो नॉर्मल के साथ बन सकता है वो 90 हो सकता है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90। ठीक है, इसका आंसर तो सीधा 90 होना चाहिए, तो 28 का आंसर सीधा 90 होना चाहिए, कुछ डेटा की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 29 में लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर, स्केच द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ग्लास टू एयर में, स्केच द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं अगर बहुत भयंकर क्वेश्चन है सच बोलूँ तो इसका डायरेक्टली जो आप बुक में देखे हो
एससीयू में शायद नहीं है इसका डायग्राम, लेकिन एनसीईआरटी में है डायरेक्टली ये वाला ग्राफ जो रहता है। ठीक है, ये करीब मतलब मैं मेमोरी से बना रहा हूँ, है ना, इसको प्रूफ करने में तो टाइम लगेगा, थोड़ा रिलेशन कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल रिलेशन नहीं। ठीक है, ये मिनिमम एंगल रहता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, खाली मैं मेमोरी से बना रहा हूँ। ठीक है, वो जाने की जरूरत नहीं है, मतलब जेई मेन और नीट लेवल में वेट लिस्ट। ठीक है ना, वो ग्राफ कैसे आया निकाल सकते हैं, या मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आइडिया दे देता हूँ। तो इस वेरिएशन ऑफ डेल्टा विथ आई, तो डेल्टा द फंक्शन ऑफ आई निकालना होगा। ठीक है, अब आपका डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है ना, तो डेल्टा एज फंक्शन ऑफ आई चाहिए, मतलब ई एज फंक्शन ऑफ आई, ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस एज फंक्शन ऑफ आई कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए दो बार वो लगाओ, एक बार फर्स्ट सरफेस पे अगर आप लगाओगे, वही यहाँ पे ये आपका प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आर वन है ना, फर्स्ट सरफेस पे इतना हो जाता है, सेकेंड सरफेस में आर टू, और एंगल ऑफ इमरजेंस ऐसे करते हैं ना हम लोग। ठीक है, और यही म्यू हो जाएगा आपका साइन ई बाय साइन आर टू। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो है। अब यहाँ से हम लोग आर वन निकाल सकते हैं आई के टर्म्स में, तो आर वन हो जाएगा आपका साइन आई बाय म्यू का साइन इनवर्स। ठीक है, तो आर वन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू। ठीक है, ये हो गया आर वन। अब आर टू के लिए वापस उसी फॉर्मूला में पुट करो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ई चाहिए, है ना, तो साइन ई बाय साइन आर टू। आर टू क्या होता है, आर टू होता है ए माइनस आर वन। ठीक है, अब इस रिलेशन को अगर आप देखोगे तो म्यू तो गिवन रहेगा, ई निकालना है हमें, ए तो गिवन रहेगा, और आर वन हमें पता है फंक्शन ऑफ आई, तो इसको यूज करके, क्योंकि बाकी सब गिवन है और जो चीज़ गिवन नहीं हो आई के फंक्शन में है, तो ई को निकालना है, तो ई एज सम फंक्शन ऑफ आई मिल जाएगा। एक बार ई फंक्शन ऑफ आई मिल गया, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो आई के टर्म्स में ही है, ई एज फंक्शन ऑफ आई मिल गया, जी आई बोल रहा हूँ जिसको, समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं, और ए तो कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन सिचुएशन, तो डेल्टा एज फंक्शन ऑफ आई मिल जाएगा अल्टीमेटली। फिर इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ओके, ये बहुत लंबा है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बना दिया फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर 30 में लाइट जो है ग्लास से वाटर की तरफ इंसिडेंस हो रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिवनेस ज़्यादा है वाटर के कंपेरिजन, मतलब टी आर होने का चांस रहेगा, है ना, तो रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दो चाहिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, एक यही पार्ट है, अगर ये समझ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन समझ लेंगे। ठीक है, रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन क्या है इसका मतलब, तो पहले हम लोग एक चीज़ नोट करते हैं, अगर आप डेंसर से रेयर के तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो दो फिनोमिना हो सकता है, एक तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तब लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा, इसमें जो डेविएशन है वो ये है, ये डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और एक केस में रेयर से डेंसर में जा रहा है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसको आई टू बोल रहे, इसको आई वन बोल रहे, है ना, इस केस में लाइट रे आपको पता है टी आर कर जाएगा, है ना। ठीक है ना, तो इस केस में जो डेविएशन आएगा, अगर ये टी आर नहीं करता तो लाइट रे डॉटेड लाइन की तरफ जाता है, तो ये डेविएशन है, ये डेविएशन ड्यू टू टी आई आर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मान लो फॉर सम आई वन आई टू ऐसा वैल्यू लिए कि ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी मान लो 30 डिग्री है और भी मान लो 30 डिग्री है सपोज, ठीक है ना, तब ये एंगल 30 डिग्री इस रेंज में आएगा। अगर सपोज मैं आपको बोलूं रेंज है फ्रॉम 20 to 30, ठीक है, तो इस रेंज में जितने भी एंगल्स आ रहे होंगे, जैसे 21.5 डिग्री, ये एंगल ऑफ डेविएशन भी आप रिफ्रैक्शन में भी पा सकते हो और टी आर में भी पा सकते हो, सेम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कौन कौन से एंगल ऑफ डेविएशन आपको रिफ्रैक्शन में मिलेगा और रिफ्लेक्शन में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर दोनों केस में मिल रहा है मतलब देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स आई वन आई टू इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक में थीटा सी से छोटा और एक में थीटा सी से बड़ा है, क्लियर है ना। ठीक है ना, लेकिन डेविएशन सेम आ सकता है, तो वही जिस जिस केस में डेविएशन सेम आएगा उसके वही आपको बताना है रेंज।
ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते और समझ में आएगा, अभी तक तो क्वेश्चन ही समझाना ही थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जो पार्ट में समझाया इसको मिटाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ रिफ्रैक्शन में क्या क्या डेविएशन पॉसिबल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कब तक हो सकता है, जब तक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, तभी तक हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेविएशन निकाले तो डेविएशन तो ये है। ठीक है, तो मैं आपको दो एक्सट्रीम केस दिखाता हूँ डेविएशन का, है ना। एक एक्सट्रीम केस ये, लाइट रे अगर ऐसे जाएगा तो देयर इज नो डेविएशन, 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा, तो इस केस में डेविएशन क्या है, जीरो। ठीक है, और मैक्सिमम डेविएशन कहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट लेस देन थीटा सी। मान लो थीटा सी है, ठीक है ना, इसको भी रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं ना, थीटा सी है ना। तो इस केस में ये है, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन आप देखोगे तो 90 माइनस थीटा सी। ठीक है ना, तो डेविएशन फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, इक्वल टू थीटा सी ही बोल दो, मैं लेस देन थीटा सी गलती से बोल दिया, इक्वल टू थीटा सी में भी तो हो रहा है, उसको भी रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए डेविएशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, ऊपर ही बना लेते हैं रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन निकालते हैं। तो मिनिमम तो आपको पता है, अगर लाइट रे ये वही डेंसर है, डेंसर से रेयर की तरफ लाइट रे जा रहा है, ठीक है ना, तो डेंसर से लाइट रे अगर ऐसे जाए, ठीक है, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों तो इक्वल होगा, टी आई आर हो रहा है, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डेविएशन निकालो तो डेविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2 थीटा, दिख रहा है ना आपको, टोटल 180 है माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो डेविएशन इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, अगर थीटा 90 है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तभी तो मैक्सिमम होगी, थीटा के सामने माइनस साइन है ना, और थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जस्ट क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल से जस्ट बड़ा होने से पे काम चल जाएगा। मान लो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो 30.0001 डिग्री पुट करेंगे तो टी आर हो जाएगा, है ना, तो वो यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ टी आर कितना है, जीरो है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन इन द केस ऑफ टी आर कितना है, 180 माइनस 2 थीटा सी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए इतना है डेविएशन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 180 माइनस 2 थीटा सी। समझ में आ रही बात, ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा सी, जिसको हम लोग कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 थीटा सी को हम लोग 2 कॉमन ले लिया तो 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, तो अगर 90 माइनस थीटा सी का कुछ नाम दे दे तो डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आपका अल्फा है, और डेविएशन इन केस ऑफ टी आई आर आपका 2 अल्फा है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से कॉमन वाला जो सेक्शन है, कॉमन डेविएशन, यानी जो रिफ्रैक्शन में भी दिख रहा है और रिफ्रैक्शन में भी जो मिल रहा है आपको, वो क्या है, 0 से अल्फा तक। ठीक है, तो यही आंसर है, मतलब ये जो एंगल्स होंगे 0 से लेके अल्फा तक, ये सब एंगल्स, इतने डेविएशन वाले एंगल्स, यानी इन डेविएशंस को आप रिफ्लेक्शन के केस में भी आप रियलाइज कर सकते हो, रिफ्रैक्शन केस में भी आप रियलाइज कर सकते हो। क्लियर है, तो यही आपका आंसर है, है ना। अब इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख देंगे, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो 0 टू अल्फा, और अल्फा क्या है याद रखना, अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा सी, इसी को मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 0 टू अल्फा। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, तो अपना आंसर होना चाहिए 0 टू अल्फा। ठीक है, तो रेंज ऑफ, रेंज क्या है, 0 टू अल्फा, और अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा सी। ठीक है ना, ओके ओके, तो इसको साइन के टर्म्स में लिखना है या कॉस के टर्म्स में, आपको ऊपर है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा सी का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आपको पता है, यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं, अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा बस, तो आपको पता है साइन थीटा सी होता है म्यू ऑफ रेयर डिवाइडेड म्यू ऑफ डेंसर।
है ना, रेरर है यहाँ पे 1.33, डेंसर है 1.5। 1.33 मतलब 4/3, 1.5 मतलब 3/2, तो 8/9, ठीक है। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है 8/9, इसका मतलब है कि कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल भी आपका 8/9 होगा, है ना, सॉरी कॉस ऑफ 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, ठीक है। साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 8/9, ठीक है। साइन थीटा सी कितना है, 8/9, तो कॉस 90 माइनस थीटा है, यानी 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/9, ठीक है। यानी आपका आंसर आ जाएगा 0 to कॉस इनवर्स 8/9, ठीक है। ये नीट में जो एक टफ क्वेश्चन होता है उस फॉर्म में आ सकता है, है ना, अदरवाइज बहुत कम चांस है। तो 0 to कॉस इनवर्स 8/9, तो 0 to कॉस इनवर्स 8/9 30 का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री, ठीक है। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आपका 90 डिग्री होगा ना। अब एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री है, मतलब TIR ही हो रहा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में तो एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री कभी आ ही नहीं सकता। देख लो, रिफ्रैक्शन में कभी भी ये एंगल 90 डिग्री आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो हाउ कैन दिस बी 90। तो डेविएशन इन द फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, TIR ही हो रहा होगा, ठीक है। और TIR मतलब TIR के केस में डायग्राम ऐसा होता है, ये थीटा, ये थीटा और ये डेविएशन, और डेविएशन कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 2 थीटा, वही रिफ्लेक्शन का केस में जो डेविएशन होता है, ठीक है। तो 180 माइनस 2 थीटा इज 90, तो 2 थीटा इज इतना, तो थीटा इज 45। तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ठीक है। तो 31 का आंसर 45, ठीक है, समझ में आई बात। एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री इन फॉर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन ये है, और ये एंगल, हाउ कैन दिस एंगल बी ग्रेटर देन 90 या इक्वल टू 90, हो ही नहीं सकता। लेकिन रिफ्लेक्शन में डेविएशन 90 डिग्री हो सकता है, जैसे यहाँ पे लाइट रे ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर लाइट रे डेविएट नहीं होता तो ऐसा चल जाता, डॉटेड लाइन के लॉन्ग, अभी इस तरफ गया तो इतना से डेविएट हुआ है, ठीक है। 180 का भी डेविएशन हो सकता है, लाइट रे ऐसा गया, इस सरफेस में टकराया, वापस रिटर्न आया, ऐसे उसी लाइन के लॉन्ग आएगा, मैं थोड़ा अलग बना रहा, ठीक है। तो नहीं हो तो सरफेस तो ऐसे आता, अभी ऐसे घूम गया, 180 डिग्री से घूम गया लाइट रे, ठीक है ना। तो ये 31 था। 32, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द डेप्थ h बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, इसका रिफ्रैक्टिंग म्यू है, सो दैट द लाइट स्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सर्फेस विथ इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट सोर्स है लाइट का, है ना, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे निकल रहा होगा, तो एक लाइट रे ऐसे गया, ये तो अनडिविएटेड चला जाएगा, ये वाला डेविएट होगा, ये भी डेविएट होगा, ठीक है। तो आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे, जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो से बड़ा हो गया, यहाँ पे और बड़ा हो गया, ठीक है। वैसे करते करते कभी ना कभी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर हो जाएगा, और उस समय लाइट रे बाहर तो नहीं निकलेगा, अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाले लाइट रेज जो होंगे वो तो एयर में जाएंगे ही नहीं, वाटर में इंटर TIR हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइट रे मैक्सिमम यहीं तक बाहर आ पा रहा है ना, इसके जस्ट पहले वाला तो बाहर आ रहा होगा ना, तो उसी को मैं ड्रॉ कर दिया मान लो, इसके जस्ट पहले वाला को, ठीक है। तो इतना रेडियस से ही लाइट रे बाहर निकल सकता है, यानी ये तो रेडियस है, तो मतलब सर्कल के फॉर्म में सोचे तो इतने बड़े सर्कल से ही लाइट रे बाहर निकल सकते हैं, तो इतने रीजन से ही लाइट रे बाहर निकल सकता है, लाइट बाहर निकल सकता है। बाकी सब पॉइंट्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं। इस तरफ भी वही होगा, ठीक है, सिमेट्री से, ये भी थीटा से बड़ा एंगल रहेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। खाली ये जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे, इसके थ्रू ही लाइट रे बाहर निकलेगा, जो सर्कुलर शेप है इसका, ठीक है ना। तो ये तो प्रूफ कर दिया हम लोग, सो दैट द लाइट स्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया, प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो रेडियस का एंगल बताना है हमें, ठीक है। तो अभी जो ट्राइंगल बनाए थे वही देखना है हमें, ये आपका सोर्स है, ये सरफेस ऑफ वाटर,
तो लाइट रे तो यहीं तक बाहर निकलेगा थीटा सी तक ही। तो ये थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी है, ठीक है। ये एच है, तो इसका रेडियस पूछा है आर, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एच टैन थीटा सी इक्वल टू आर होना चाहिए, है ना। और टैन थीटा सी कैसे निकालेंगे, साइन थीटा सी वन बाय म्यू होगा, ठीक है, क्योंकि एयर वाटर का बात हो रहा है, एयर का म्यू वन वाटर का इतना, तो साइन थीटा सी वन बाय म्यू वन, मतलब टैन थीटा सी आपका हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है, एच डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस वन। 32 का आंसर, 32 का आंसर साइन इनवर्स वन बाय म्यू, फाइंड द एंगल, खाली एंगल पूछा था, ठीक है, एंगल तो यही हो जाएगा, मतलब तो रेडियस पूछा है, ये एंगल पूछा है, ये तो साइन इनवर्स वन बाय म्यू, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।